Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. Okay, ICICI बैंक स्ट्रेंथ है 716। डायरेक्टर साहब मुझे एक बजार प्लीज HDFC दिखाइए, HDFC क्या कर रहा है। मेरे को एक HDFC में बड़ा एक लॉजिकल ट्रेड नजर आ रहा है। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, पहले तो एक HDFC को एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि कल 20 डेमा को हिट करते ही इसने वो बात रिफ्लेक्ट कर दी थी कि मैं आई थिंक अब बेयर ग्रिप्स में नहीं हूं। और अगर आप स्क्रीन को बाइसेक्ट करके HDFC और HDFC बैंक दोनों रखें तो क्या है वो भी देख लीजिए एक बार जरा। HDFC बैंक भी लेके आइएगा और यहीं पर अगर आप देखें दो खेमे कंप्लीट कर लेंगे हम। HDFC बैंक, HDFC यानी NBFCs और आपका अगर आप देखें तो बैंक्स। ये अब अपने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की जर्नी शुरू करता हुआ। राजेश जी, आउट ऑफ दिस टू क्या पिक करेंगे और आपका कन्विक्शन ट्रेड? वीरेन जी, बिलीव मी, यही मेरा कन्विक्शन ट्रेड है। क्या जबरदस्त सेटअप है और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो HDFC लिमिटेड इसी को मैं बाय देने वाला था, क्योंकि ये रेंज के बाहर निकला है, 1020 DMA के ऊपर है। इसका जो टारगेट बनना चाहिए पोजिशनली शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से वो रहेगा 2300। सो बाय HDFC आपका स्टॉप लॉस होगा 2210 का। वीरेन जी, अगर ऑप्शन में किसी को ट्रेड करना है तो आप इन द मनी ऑप्शंस देखें। मैंने सॉरी आपका पहला नेक्स्ट वाला सवाल भी ले लिया, लेकिन 2200 का जो कॉल ऑप्शन है वह 40 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 70-75 का टारगेट सेट करें। मुझे लगता है कि जो सेक्टर शिफ्ट है वो HDFC लिमिटेड में क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया बढ़िया से ट्रेड्स एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए। TCS 1.5%, टेक महिंद्रा 2%, HCL टेक 1%, सब दबाव में। दिक्कत पर आईटी का फेज निकल रहा है। ब्रेथ में कह रहा था एग्जैक्टली 1:1 का रेशियो है, एग्जैक्टली। देखते हैं, अभी अभी ट्रांसफर्स नहीं हुए, अभी भी पलटी नहीं है ब्रेथ, लेकिन 1:1 के रेशियो पे आ चुका है। तो ब्रॉडर मार्केट्स को थोड़ा सा रडार पे रखिए, वो देखिए आपकी स्क्रीन्स पे। लेकिन अभी भी वो पता है स्क्रीन्स में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में, बहुत स्लाइटली, पर देखते हैं इवेंचुअली किस तरह का मूव बनता है। चलिए, जो स्टॉक्स थोड़ा सा हो गया पेन की बात, जो स्टॉक अच्छा मूव दिखा रहे हैं उसमें नेस्ले को उठाइए स्क्रीन्स पर, अच्छा पिकअप वहां पे देखने को मिल रहा है। HUL शुरुआत में अच्छा मूव दिखा रहा था जब मैं स्क्रीन्स पे गया था, उसके बाद दरअसल उस गेन्स को कंसोलिडेट सिर्फ नेस्ले कर पा रहा है। HUL ठंडा, ये देखिए HUL ठंडा पड़ गया, नेस्ले को उठाइए इसके सामने स्क्रीन्स पर और उसमें आपको नजर आएगा ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का उछाल। SBI लाइफ अब धीरे धीरे अच्छा मूव पिकअप कर चुका है, 2.5% प्लस का अपटेक है। शुरुआत में HDFC लाइफ अच्छा कर रहा था जब ओपनिंग टिक्स आए थे, पर उसकी जगह अब SBI लाइफ दरअसल वो स्टॉक है जो बढ़िया मोमेंटम पिकअप कर चुका है। HDFC लाइफ अभी भी 2.25% के आसपास के उछाते हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ अच्छा करते हुए, इनफैक्ट SBI लाइफ दोनों में अच्छा ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है धीरे धीरे। शायद सत्यवीर साहब कुछ रडार पे है क्या? HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेस आज दोनों निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में नजर आ रहे हैं। आशीष जी, मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखो HDFC पैक ही देखिए, HDFC AMC छोड़ के, लेकिन टेक्निकली ओवरसोल्ड है HDFC AMC, लेकिन HDFC लाइफ की जो बात आपने की, मुझे लगता है कि यस 550-555 ये रेंज था, एक सप्लाई पॉइंट, वो अभी सपोर्ट होगा, यानी ये एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। 563 पे है तो आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो डिफाइन होता है 550 पे, और जो प्रोजेक्शन है, जो नेक्स्ट टारगेट बनता है, वो रहेगा कम से कम 580 का। तो ये स्विंग का टारगेट है, तो इससे